प्रशासन से मांग की गई, जिलाधिकारी उन्नाव से भी बात की गई और जिलाधिकारी कानपुर के संयुक्त वार्ता की गई, जिसपे ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों से वार्ता, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करा रहे हैं, जांच करा के बहुत जल्दी इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन 7-8 महीने हो गए हैं, एक तो मजदूर यहाँ का कोरोना की पहली वेब को मार झेला था, दूसरे वेब का भी असर हुआ उसके ऊपर, रोजी रोटी से पूरा ढांचा जनपद का ध्वस्त है। जो व्यापारी थे जिनको कानपुर सीधे पुल से निकल जाना था, जो दिहाड़ी मजदूर थे शोरूम में काम करते थे, उन लोगों को ये धमका के नौकरी से हटा दिया गया कि आप टाइम पर नहीं पहुँचते। टाइम पर ना पहुँचने का मतलब ही है कि वो इस पुल से उनका आवागमन नहीं हो पाता। इस लिहाज से हमारे नगर सदर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं और राहुल जायसवाल जी समाज सेवी भी हैं, हम लोगों ने ये चर्चा की कि हमें नगर अध्यक्ष हमारे दीप नारायण शुक्ला जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिला सचिव हैं राजेंद्र प्रजापति जी, ये तय किया कि अगर एक सप्ताह के अंदर ये पुल ना खोला गया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जनपद के सभी नगरवासियों को इस समस्या से निजात करेंगे। ठीक, धन्यवाद। और इसमें अगर कोई व्यवधान न होता तो सारी जिम्मेदारी शासक की होगी। लेकर हमेशा आंदोलित रही है और उनको सत्याग्रह करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसी क्रम में जैसे ही 8 महीने से गंगा पुल बंद है, और गंगा पुल के बंद होने से यहाँ नगर की 50,000 आबादी प्रभावित है, इस प्रभावित आबादी को रोजी रोटी के संकट को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता आहूत की और सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से मैं इस संदेश को पूरे प्रदेश में और ब्रिज कारपोरेशन के और जिला प्रशासन कानपुर प्रशासन और उन्नाव प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि एक सप्ताह के भीतर यदि इस समस्या से निजात नहीं मिली और पुल नहीं खुलवाया गया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक कि ये पुल नहीं खुला तब तक हम लोग भूख हड़ताल। जिलाधिकारी से पहले भी हम लोगों की वार्ता हो चुकी है और उन्नाव कानपुर जिलाधिकारी से भी उस संबंध में वो लोग सब अवगत हैं और बार बार आश्वासन देते रहे हैं तमाम जनमानस को। सत्ता पक्ष के लोग भी इस पर ये कहते रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, तो हमें सत्ता पक्ष को ये दिखवाना है लोगों को कि सत्ता पक्ष सिर्फ आम जनमानस को प्रभावित करते हैं और गुमराह करते हैं और उनके पास सिर्फ छलावा है, छलावा तो मात्र कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझकर, जनता का मुद्दा समझकर, रोजी रोटी का संकट लोगों को समझकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाती रहेगी और हम तब तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे जब तक इस पुल को नहीं खोल दिया जाता है। हम आमरण अनशन भी करेंगे यदि संभव हुआ तो।